10 richest people in the world 2022। आज हम बताएंगे 2022 में दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों के बारे में। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए। हर बंदा पैसे की भाग दौड़ में लगा हुआ है, क्योंकि पैसा ही वो चीज़ है जिससे बंदे का मियार समझा जाता है। इन्हीं इंसानों की भीड़ में कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो गए। चले अब हम शुरू करते हैं दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों के बारे में। इससे पहले कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियो आपको मिल सके। नंबर 10, स्टीव बाल्मर। स्टीव बाल्मर की नेटवर्थ है 97.6 बिलियन डॉलर। दुनिया के टॉप 1% अमीर अफराद की दौलत में कई मरतबा इजाफा भी हुआ है। आज स्टीव बाल्मर 67 साल की उम्र में 57.6 बिलियन डॉलर का मालिक बन चुका है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 58,54,400 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये गर्म अंडे की शक्ल वाले इतने अमीर तरीन कैसे बन चुके हैं। दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान को छोटी सी उम्र में अपना दोस्त बना लिया था। स्टीव बाल्मर बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड हैं। 1980 में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया था। पिछले 50 सालों में बिल गेट्स की कंपनी में बुरा वक्त भी आया, काफ़ी लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। स्टीव बाल्मर इनके साथ हमेशा खड़े रहे। आज से कई साल पहले माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में 4% मिलने वाले शेयर को हमेशा अपने सीने से लगा के रखा। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया की महंगी मार्केट वैल्यू रखने वाली कंपनी है, जो कि $2.2 ट्रिलियन हो चुकी है। इसलिए सिर्फ 4% शेयर मिलने वाले स्टीव बाल्मर भी दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में 10 नंबर पे आते हैं, जो कि 57.6 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। नंबर 9, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले मुकेश अंबानी का नाम आता है। ये ना सिर्फ भारत में अमीर तरीन है, ये एशिया के अमीर लोगों की फहरिस्त में इनका नाम है। ये 65 साल मुकेश अम्बानी रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, जो कि आज से कई साल पहले इनके वाले धीरू भाई अंबानी ने 1966 में यह कंपनी शुरू की थी। 50 साल पहले शुरू होने वाली यह कंपनी आज इंडिया में 2,36,650 लोगों को रोज़गार फराहम कर रही है। अब रिलायंस एक टेक्सटाइल मिल ही नहीं, दुनिया के हर कारोबार में घुस चुकी है। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मैस मीडिया, टेक्सटाइल। मुकेश अंबानी को एक एजाज ये भी जाता है कि सबसे महंगे तरीन घर में रहते हैं, जो $1 बिलियन लागत आई थी। मुकम्मल 8 सर्जी ब्रेन नेटवर्थ $101 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर दुनिया की मशहूर गूगल के बानी सर्जी ब्रेन आते हैं। और इनकी डिटेल में जाने से पहले आपको ये बताते चलें कि अभी तक आप में से सिर्फ 9.9% हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है। हम ये वीडियोस बहुत ही मेहनत सबके लिए बनाकर लाते हैं, और अगर आप तक ना पहुंच सके तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल का सर्जी ब्रेन और लैरी पेज, ये दोनों वो दोस्त हैं जिन्होंने साल 1998 में दुनिया का सर्च इंजन google.com बनाया था। आगे चलकर इन्होंने और बहुत सी, सब अब गूगल से भी बड़ी एक कंपनी अल्फाबेट की मिल्कियत में आता है। लैरी दोनों ही पहले दिन से ही इस अल्फाबेट नामी कंपनी के 6% शेयर होल्डर रहे। ब्रेन की अपनी नेटवर्थ $101 बिलियन जा चुकी है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 19,19,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। $100 बिलियन से ज्यादा के मालिक हों इन्हें सेंटी बिलियनर्स कहा जाता है। नंबर 7, लैरी पेज नेटवर्थ $105 बिलियन। नंबर पर गूगल के को फाउंडर लैरी पेज आते हैं, जिन्होंने अपने दोस्त सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की बुनियाद रखी। दोस्त 48 साल उम्र के हैं और दोनों ही सेंटी बिलियनर्स हैं, यानी कि $100 बिलियन से भी ज्यादा के एहसासों के मालिक। लैरी ने साल 1995 में ही एक ऑनलाइन सर्च इंजन बना लिया था जिसका नाम था बैक रब। आगे अमेरिका की मशहूर छोटी की आईटी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक और जहीन लौंडा मिला जिसका नाम था सर्जी ब्रेन। लैरी ने अपने सर्च इंजन को मजीद बेहतर किया और ये आगे चलकर google.com की शक्ल में सारी दुनिया के सामने आया। अगर नंबर 6, वॉरेन बफेट नेटवर्थ $116 बिलियन। आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना
अपना पहला शेयर सिर्फ 14 साल की उम्र में खरीदा था और आज ये 91 साल के हो चुके हैं। सबसे शातिर और सबसे कामयाब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। आज ये बर्कशायर हैथवे नामी एक कंपनी के वॉरेन ने सबसे पहले इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू किए और फिर देखते ही देखते ये पूरी कंपनी ही खरीद बैठे। कंपनी अमरीका भर में 372,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रही है। इस कंपनी तकरीबन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं। इन कोका कोला कंपनी की इस वक्त कंपनी वैल्यू 110 बिलियन डॉलर्स है और ये बाबा जी कोका कोला कंपनी के 9% के शेयर होल्डर हैं। वहीं एप्पल आज 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की मार्केट वैल्यू रखती है और हमारे बाबा जी इसमें भी 5% के मालिक हैं। इस बैंक ऑफ अमेरिका में भी इन बाबा जी के टोटल 11% के शेयर हैं। नंबर 5, गौतम अडानी, नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर। इसमें दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी होने का एजाज भी एक भारतीय को ही जाता है। गौतम बिजनेस कंपनी अडानी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आपको ये जानकर हैरत का अमीर आदमी है। अडानी के वालिद कपड़े का व्यापार करते थे जिसमें इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में 75% शेयर के मालिक हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स यानी के बंदल इकोनॉमिक जोन में भी इनका 65% का शेयर है। यही सब नहीं बल्कि अडानी ग्रीन एनर्जी में इनका 61%। नंबर 4, बिल गेट्स, नेटवर्थ 127 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों बिल कहता है कि ये साल 1992 से साल 2000 तक तकरीबन 18 साल तक नॉनस्टॉप दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं और चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। बिल गेट्स की तकरीबन सारी ही दौलत इनकी बनाई हुई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई है, जो कि इन्होंने अपने ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट इनकी विंडोज है। दोस्तों याद रह रही है। नंबर 3, बर्नार्ड आर्नोल्ड, नेटवर्थ 132 बिलियन डॉलर्स। माना लग्जरी के ब्रांड LVMH के मालिक है। आज दुनिया भर में अमीर लोग अपने आप को अमीर नहीं समझते जब तक कि इनके पास लुई विटॉन का बना हुआ कोई बैग है। नंबर 2, जेफ बेजोस, नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों साल 1994 में नौकरी कर रहे थे, मगर इन्हें रातों रात एक आइडिया आया और इन्होंने थोड़े से पैसे हाथ में कर ये नौकरी छोड़ दी। जेफ बेजोस 94 में ही आने वाले दुनिया में लोग कोई भी चीज खरीदने दुकान पर नहीं जाएंगे बल्कि वेबसाइट पर अपने घर से बैठे हुए ही ऑर्डर करके मंगवा लिया करेंगे। जैसे पैसे उधार पकड़े और अपने घर के गैराज में बैठकर Amazon.com नामी एक वेबसाइट का आगाज किया, जहां लोग ऑनलाइन शुरू में Amazon सिर्फ किताबें बेचने की एक वेबसाइट थी, मगर वक्त को। नंबर 1, इलोन मस्क, नेटवर्थ 268 बिलियन डॉलर्स। तो हम आपको बताते चलें कि $1 मिलियन में 19 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते जाते हैं। इलोन मस्क इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो कि 268 बिलियन डॉलर्स का मालिक है। 50,92,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मालिक बन जाता है इलोन। ये आदमी इतना अमीर है कि चूंकि ट्विटर कंपनी इसके नजरियात के मुताबिक नहीं चल रही थी, तो इसने सोशल मीडिया जाइंट ट्वीट हो चुकी थी। ये बंदा इतना अमीर है कि मौशी माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया की तारीख का पहला ट्रिलियनर बनने जा रहा है, यानी कि वो है जो कि हमारी दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। इसने दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार तैयार की है और हमें तेल और गैस की गुलामी से दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।